हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी केमिकल है, नाम में ही केमिकल लिखा हुआ है, तो ये केमिकल की कंपनी है। आप देख सकते हो ये गुजरात की कंपनी है क्योंकि नाम में भी गुजरात है। और इसका बड़ौदा कॉम्प्लेक्स, ये वेबसाइट पर जो दिखा रहा है इमेजेस देख लो, दहेज कॉम्प्लेक्स, ये वहाँ के गुजरात की सिटीज़ है और वहाँ का ये कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे उनका कंपनी का जो केमिकल बनाती है उसका प्रोजेक्ट देख लो कितने बड़े बड़े है और कैसे करती है। उनका दिख रहा है कितना अच्छे से कंपनी ने बना के रखा हुआ है उनका ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, केमिकल फैक्ट्रीज़ को। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे केमिकल बनता है, तो कौन से केमिकल है ये सब हम देखेंगे। और ये इनका ये कंपनी 1973 से है और 45 इयर्स कंपनी को हो चुके हैं और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी क्या क्या बनाती है, किसमें स्पेशल है। क्लोरीन है, सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड, इतने पोटैश, ये सारे हाइड्रोजन, वाटर ट्रीटमेंट ग्रुप, ये सब इनके जो वर्क होते हैं ये कंपनी में उसके बारे में डिटेल्स हैं। और ये पूरा वेबसाइट में देख रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज और उनका वर्क प्लेस यहाँ पे, ठीक है। ये कंपनी का मतलब सेटअप देख लो कितना बड़ा है और कितना अच्छा दिख रहा है। अभी इस कंपनी के शेयर के बारे में बात करते हैं जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है आज के दिन। लगभग ये 3 महीने से मैंने कंपनी को होल्ड करके रखा था और इसमें 30% तक निकाल चुका हूँ मैं इसमें प्रॉफिट आज के दिन में, और मैं इसमें से निकल गया। तो यहाँ पे ये देखो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पे 304 के लो से ये 562 तक गया था। ये जस्ट अभी का ही हाई है, आज का ही हाई है। देखो इधर भी हाई है, यहाँ पर भी हाई दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन इसने 52 वीक हाई बना लिया है और मैं इसीलिए निकल भी चुका हूँ। और यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, 52 वीक हाई का बता रहा है स्ट्रेंथ, ये बता रहा है। वीकनेसेस देख लो, 7 वीकनेसेस है, ठीक है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देख लो, 3-3 अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं। रेजिस्टेंस का अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का। और थ्रेट एक है इसमें, इंक्रीजिंग ट्रेंड नॉन कोर इनकम। और यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल देख लो, 3969 है, 3,969 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पे ये कंपनी का पी देख लो अच्छा है, डिविडेंड भी देती है, 1.5% तक तो डिविडेंड मिलता है साल का। पीवी रेशियो भी अच्छा है, सेक्टर पी अच्छा है, फेस वैल्यू। तो कंपनी में ग्रोथ लगभग यहाँ से सोच लो 304 से ये 562 जा चुका है एक साल के अंदर। और डिविडेंड यही पे दिया है, ये दिख रहा है 15 सितंबर को जस्ट अभी दिया है, 8 रुपया डिविडेंड मिला है। जिसके पास भी इसके शेयर हैं, एक शेयर के पीछे 8 रुपये मिला है। और प्लस यहाँ से देख लो कितना कैसे भागा हुआ है ये अप्रैल से लेके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब लगभग ये यही पे था 300 का रेंज, 300 की प्राइस ये अप्रैल से लेके अभी तक जो भागा है, तो ये अभी का ही है हाई। और मैं ये कैंडल पे निकल चुका हूँ, ये हाई पे निकल चुका हूँ आज के दिन, ठीक है। तो मैंने यही सोचा था कि जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग करूँ उस दिन वीडियो बना के आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ कंपनी के बारे में। तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली, इसलिए मैंने ये आपके लिए लाया हो। तो ये आगे के लिए कैसा है और मुझे आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए रहेगा कि मैं कौन सी कंपनी खरीद रहा हूँ, कौन से कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा, ठीक है। गुजरात अल्कली
यहाँ पे इसका जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट दिखाया है देखो 716 करोड़, और बढ़ा भी कितना है देखो 52% से बढ़ चुका है। तो इसका नेट सेल्स अच्छे से बढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे फॉरेन भी बोल रहा है 74% तक लोग बोल रहे हैं कि बाय कर लो। तो फॉरेन का भी रिपोर्ट यही बता रहा है कि इसको बाय करना है। और यहाँ पे इसका अभी हम फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल देख लो, रेवेन्यू इसका देख लो, 2017 में 2070 करोड़ का था, 2018 में 2454, 2019 में 3161 करोड़, और 2020 में 2724 करोड़, और यहाँ पे लास्ट में 2021 में 2429 करोड़, और 2021 अभी भी बाकी है, तो यहाँ पे ये ऊपर जा सकते हैं। तो ये इसका रिवेन्यू है, नेट प्रॉफिट भी देखना है तो नेट प्रॉफिट भी देख लो कैसे 2019 तक तो ये बढ़ते गया था, फिर इसमें नेट प्रॉफिट में डाउन आया क्योंकि यहाँ पे कोविड था, कोरोना था, इस वजह से भी हो सकता है, बट नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है। तो यहाँ पे देख लो 2021 जब ख़त्म होगा और 5-6 महीने हैं, तो उसके बाद इसका 2021 में कितना प्रॉफिट होता है वो भी पता चलेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे होल्डिंग्स देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा होल्ड कर रखा है, 46% प्रमोटर के पास है, और उससे भी ज़्यादा पब्लिक के पास है, 49-50% ही सोच लो, 49-97% है, मतलब 50% तो पब्लिक ने होल्ड करके रखा है। और DIs ने देख लो 2% है DIs जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और FIs ने भी 1.36% इन्वेस्ट करके रखा है। तो म्यूचुअल फंड के 10 स्कीमों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, और एक अभी बढ़ चुका है, और यहाँ पे FIs के 35 FIs है यहाँ पे, और 2 अभी लेटेस्ट में बढ़ चुके हैं। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और फाइनेंशियल। तो कंपनी में यहाँ पे सब डिटेल्स है अबाउट द कंपनी, चेयरमैन कौन है और बाकी सब डिटेल है, रजिस्टर ऑफिस। तो ये था कंपनी के बारे में, गुजरात अल्केलिस के बारे में जो केमिकल कंपनी है। तो ये कंपनी का लगभग अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम है क्योंकि ये कोविड की वजह से हो सकता है, बट इसका जून का क्वार्टर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, तो रिज़ल्ट वाइज रिवेन्यू वाइज लगभग अच्छी कंपनी है। इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बट फिर भी कंपनी अच्छी है, और ये एक साल में लगभग सोच लो कि 304 से यहाँ तक गई है, मतलब 300 से 600 भी होती तो ये मतलब कितना होता, डबल हो जाता, मतलब 100% होता। तो यहाँ पे सोच लो कि 300 से जो प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पे 70-80-90% तक तो इसमें ग्रोथ आया हुआ है, ठीक है, 80-90% तो यहाँ पे आ चुका है, 80% ही पकड़ के चल लो, तो साल भर में ये बढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी हम प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखते हैं, ये देख लो यहाँ पे 62 बता रहा है, तो ये लो से नहीं गिनते वो लोग, परफेक्ट प्रॉपर एक साल गिनते हैं यहाँ पे, जैसे आज के डेट का 22 तारीख है तो पहले का डेट का 22 तारीख देखेंगे, प्रॉपर उसका सितंबर का ही देखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उसका लो और ये नहीं देखते, यहाँ से डायरेक्ट जो 22 तारीख वो टाइम पे था 21-22, तब से लेके अभी का 22 तक ये यहाँ पे देखा गया, तो बीच में जो लो आता है तो वो देखते नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस भी इसका देख लो अच्छा ही बढ़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ ये और उम्मीद नहीं करना चाहिए कंपनी में, ग्रोथ तो दे रही है, पैसा तो नहीं डुबा रही है, तो सबसे अच्छा वही होता है इन्वेस्टमेंट जिसमें हमारा पैसा नहीं डूब रहा है और पैसा सेफ है, प्लस ये कंपनी डिविडेंड देती है, तो इस हिसाब से सोच लो कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी कभी भी अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट करती है और प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को शेयर करती है। तो ये था गुजरात अल्केलिस के बारे में मेरा रिव्यू, और आपको इसमें इन्वेस्ट करके चलना है तो ये करके चल सकते हैं,
अभी तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, बट इसमें होल्ड करके या इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हैं। ये होल्डिंग के लिए कमाने के लिए अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसका खाली परफॉर्मेंस देखते जाना है और हमको इसमें जितना जैसे लगता है उस हिसाब से हम इसमें भी कमा सकते हैं। तो केमिकल की कंपनी है, जिसको केमिकल सेक्टर में इंटरेस्ट है, ये कंपनी तो बहुत अच्छी दिख रही है, इसमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही है, तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका पैसा यहाँ से ग्रोथ ज़रूर होगा मेरे एडवाइस से, और कहीं डूबेगा नहीं, ठीक है। तो आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, और आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।